गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर एजुकेशन बाय सुषमा सिंह। टुडे वी विल रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। तो आपको 6 मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ एंड ये 7 और 8 आज पढ़ाती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कंजक्शन, कंजक्शन का पर्पस क्या है बच्चों? जॉइंट क्लॉजेज और सेंटेंसेस और वर्ड्स क्या करता है? ये जॉइन करता है क्लोजेस को, सेंटेंसेस और वर्ड्स को, मतलब सेंटेंस को मिलाता है, है ना। किससे मिलाता है बच्चों? एंड से, बट से एंड वेन से, है ना। तो आप इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई लाइक डॉग्स एंड आई लाइक कैट्स, है ना। देखो, इन्होंने इस सेंटेंस को एंड से मिला दिया ना, कि मुझे कुत्ता और बिल्ली पसंद है, है ना। I like dogs but I don't like cats, है ना। और I like dogs, मुझे कुत्ते पसंद है, but I don't like cats, लेकिन मुझे बिल्ली नहीं पसंद है। तो यहाँ और से मिला दिया यानी कि एंड से, यहाँ बट से यानी कि लेकिन से सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया, यानी कि बना दिया, मिला दिया। ओके, एंड सेकेंड ऐसे ही इंटरजेक्शन, शॉर्ट एक्सक्लेमेशन समटाइम्स इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस, है ना। ये एक्सक्लेमेशन मतलब ये जो मार्क है ना, ये संबोधन जो है वो है एक्सक्लेमेशन, है ना। जैसे कि ओ के बाद ये संबोधन है, आउच के बाद ये संबोधन है, हाई के बाद, है ना, एंड वेल। तो समटाइम्स इंसर्टेड इनटू अ सेंटेंस, कभी कभी ये वर्ड्स नहीं भी होते हैं तब भी सेंटेंस को कंप्लीट माना जाता है। बट ये हम अपनी लैंग्वेज को अच्छा बनाने के लिए ये सारे सेंटेंस यूज करते हैं, है ना। तो जैसे आउच, दैट हर्ट्स, मतलब आउच के बाद रुके यानी कि ये संबोधन लगाया, दैट हर्ट्स यानी कि चोट लग गई, है ना। हाय, जैसे हम किसी से मिलते हैं पहली बार या फिर मिलते ही हम कैसे बोलते हैं? हेलो एंड हाय बोलते हैं, तो वही है ना। हाय, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। एंड वेल, वेल से जैसे कहते हैं ना बच्चों, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हमारी लैंग्वेज का एक इम्प्रेशन होता है ना, तो वैसे ही अच्छी लैंग्वेज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वेल। आई डोंट नो, है ना, मुझे नहीं पता। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।